नमस्कार दोस्तों, मालगाड़ी के सामने बच्चा फेंक कर गया लड़का, गाड़ी निकल गई, पहियों के बीच में जिंदा बच गया लड़का। जी हाँ, आपको बता दें कि एक लड़का अपने साथ एक छोटे बच्चे को मालगाड़ी के सामने फेंक कर चला गया। मालगाड़ी जब तक रुकती तब तक इंजन उसके ऊपर से गुजर चुका था। लोको पायलट जब ट्रेन के नीचे जाकर देखा तो वह देखकर हैरान रह गया। मालगाड़ी के पहियों के बीच में बच्चे की आंखें झपक रही थी और वो रो रहा था। हैरान कर देने वाला ये मामला हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिखा। 21 सितंबर को लोको पायलट दीवान सिंह ALP अतुल आनंद के साथ मालगाड़ी लेकर निकले ही थे, तभी एक लड़का एक बच्चे को लेकर रेलवे लाइन पर आया और बच्चे को चलती मालगाड़ी के सामने फेंका और निकल गया। ये देखकर लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाया और नीचे उतर कर देखा तो बच्चा मालगाड़ी के नीचे फंसा हुआ था। लोको पायलट ने बच्चे को मालगाड़ी के नीचे से निकाला और इसकी माँ के हवाले कर दिया। आगरा पहुंचकर लोको पायलट ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। लोको पायलट की कार्य कुशलता पर अधिकारियों ने उसकी जमकर तारीफ की। उत्तर मध्य रेलवे के मंडल वाणिज्य प्रबंधक SK श्रीवास्तव ने बताया कि लोको पायलट दीवान सिंह और असिस्टेंट लोको पायलट अतुल आनंद बल्लभगढ़ से मालगाड़ी लेकर निकले थे। एक लड़का जल्दबाजी में बच्चे को रेल की पटरी के बीच में छोड़कर भाग गया। रोकते रोकते भी मालगाड़ी बच्चे के ऊपर तक आ गई। बच्चा मालगाड़ी के बीच में फंस गया लेकिन उसे सकुशल बचा लिया गया। तो दोस्तों, आप किस खबर के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।